जी का, तीन बड़े जो richest man है कहा जाते हैं बॉलीवुड की, उन्होंने काफी मजाक उड़ाया था और उसके बाद काफी मीडिया ने उनकी आलोचना भी की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यू नो आई फील उस स्तर पे आकर यू नो दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, जिन्होंने आप जिनकी बात कर रहे हैं, राइट फ्रॉम करण जौहर टू कंगना, दोनों ही इंटेलिजेंट लोग हैं, पर वहाँ पर आकर आई फील ये कहना आई थिंक वो मजाक कर रहे थे पर्सनली, बिकॉज लाइक आई सेड देयर इंटेलिजेंट पीपल, अगर उनको रियली कुछ कहना होता तो वो कहीं और जाके कह रहे थे, वो आई एम श्योर मजाक था। हाउएवर सोशल मीडिया इज़ वेरी डेंजरस, मतलब आप जो कहते हैं वो चीज़ कुछ और बनकर बाहर निकल सकती है। मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं कुछ और कहा है और कुछ और बनकर वो बाहर निकला है। सो आई फील ऐसे टाइम पे, शायद सोशल मीडिया के टाइम पे जहाँ चीज़ें मरोड़ी जाती हैं, शायद इट डजंट कम अक्रॉस एज रिगार्डिंग नेपोटिज्म इन बॉलीवुड जी, कंगना ने कहा, आप क्या सोचते हैं एज अ सेलेब, आप भी मॉडल से अपना करियर, कितना मुश्किल होता है? डेफिनेटली मुश्किल होता है, मगर अगर आप एक फिल्म फैमिली से हैं तो आपके लिए रियली थोड़ा सा आसान हो जाता है, आई डोंट नो थोड़ा सा या शायद ज़्यादा भी आसान हो जाता है एक फिल्म को क्रैक करना, आप जब बाहर से आते हैं इतना ईजी नहीं होता है आपके लिए क्रैक करना। सो आई वुड से कि डेफिनेटली नेपोटिज्म है, बट नेपोटिज्म बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में है, और इंस्पाइट ऑफ दैट बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने खुद के दम पर सक्सेस हासिल की है, लाइक शाहरुख खान, लाइक कंगना रनौत, लाइक श्रीदेवी, सो मैनी आई कैन नेम।